सलमान खान को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। देश के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर गोल्डी बराड ने कहा है कि हम सलमान खान को जरूर मारेंगे। गोल्डी ने एक इंटरव्यू में कहा कि सलमान खान उनके बिल्कुल टारगेट पर है और जैसे ही मौका मिलेगा वो सलमान खान को मौत के घाट उतार देंगे। गोल्डी बराड ने ये बात कुछ देर पहले आज तक को दिए एक इंटरव्यू में कही। गोल्डी ने अपने इस इंटरव्यू में कहा, हम सलमान खान को जरूर मारेंगे क्योंकि उसने काले हिरण का शिकार कर विश्नोई समाज की बेअदबी की है। हमारे भाई साहब लॉरेंस विश्नोई ने उसे माफी मांगने को कहा था लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। सलमान खान हमारा लक्ष्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम कोशिश करते रहेंगे और जब हम सफल होंगे तो सबको अपने आप पता चल जाएगा। गोल्डी बराड ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर भी बड़ा खुलासा किया। उसने कहा कि सिद्धू को उसने अपने पर्सनल रीजंस की वजह से मौत के घाट उतार दिया। गोल्डी बराड एक खूंखार अपराधी है जो देश के बाहर बैठकर अपने टारगेट को अंजाम देता है। भारत की एजेंसियों को उसकी तलाश है। कनाडाई सरकार ने इस साल मई में बराड को देश के 25 वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शामिल किया है। उसके सिर पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया है। पिछले दिनों बराड ने हनी सिंह को भी धमकी दी थी जिसके बाद हनी सिंह ने दिल्ली पुलिस से जाकर सुरक्षा मांगी। हनी सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि उन्हें काफी डर लग रहा है। गोल्डी की इस धमकी से एक बार फिर दहशत फैल गई है। सलमान खान की सुरक्षा में पहले से ही कई जवान तैनात हैं। सलमान सुरक्षा को लेकर जरा भी लापरवाही नहीं बरत रहे हैं लेकिन गोल्डी ने अपनी दहशत को इस तरह से फैला दिया है कि बॉलीवुड अब उसके नाम से कांपने लगा है।